हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहास टाइनी वर्ल्ड। होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी वेज थाली का रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल सा है, बहुत ही टेस्टी लगता है। इस गर्मी में ये थाली खा के एकदम सुकून मिल जाएगा। होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बनाना चिप्स बनाने के लिए केला को पिल ऑफ कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे कच्चा केला लिया है 5 पीसेस, और मोटा मोटा साइज़ का लिया है, इससे ज़्यादा अच्छा बनता है। तो इसको मैं पिल ऑफ कर ले रही हूँ। जब तक ना वाइट सरफेस दिखे तब तक इसको पिल ऑफ करना है। सारा केला को मैंने छील के ले लिया है। अब एक बर्तन में मैं पानी लूँगी और इसके ऊपर स्लाइसर को रख के ऐसे स्लाइस कर लूँगी। पतला पतला स्लाइस करना है, तो ऐसे ही करके मैं सारा को स्लाइस कर ले रही हूँ। तो देखिए, मैंने सबको स्लाइस कर लिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा हल्दी के साथ अच्छे से धो लूँगी, और मैंने इसको स्टेन कर लिया है। अब इसको धूप में रख दूँगी जब तक ना इसका पानी अच्छे से निकल जाए। तब तक मैं कर लेती हूँ साग। तो मैं आज बना रही हूँ पटुआ का साग। उसके लिए मैं यहाँ पे 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, और इसमें मैंने साग को अच्छे से चॉप करके ऐड कर दिया है थोड़ा सा नमक के साथ। और इसको मैं ढक के कुक करूँगी जब तक ना ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बीच बीच में इसको चलाते भी रहेंगे। तो देखिए, साग अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसका जो पानी है उसको ऑलमोस्ट ड्राई कर लेंगे, पूरा ड्राई नहीं करना है। अब इसको तड़का लगा लेंगे। उसके लिए कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 छोटा चम्मच सरसों का तेल। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 साबुत लाल मिर्च, और चॉप करके गार्लिक। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैं यहाँ पे 1 छोटा साइज़ का गार्लिक ऐड की हूँ, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 छोटा साइज़ का प्याज को स्लाइस करके। अब मैं इसमें 1 पिंच जितना नमक ऐड करूँगी और इसको कुक कर लूँगी। इसको फ्राई नहीं करना है, बस ट्रांसपेरेंट होने तक इसको कुक करेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे साग जो मैंने बॉईल करके रखा था। प्याज को ट्रांसपेरेंट रखने से ही इसमें ज़्यादा अच्छा आता है टेस्ट, इसीलिए इसको मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसमें 3 से 4 हरी मिर्च को स्लाइस करके ऐड कर रही हूँ। साग को ज़्यादा कुक नहीं करना है, 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे जब तक ना इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। सो देखिए, साग में एकदम हल्का सा पानी है। इस स्टेज में साग को निकाल लेंगे, ज़्यादा ड्राई करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब कर लेते हैं दाल। उसके लिए मैं यहाँ पे 1 कप मूंग के दाल को अच्छे से धो के प्रेशर कुकर में ऐड कर दी हूँ। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ परवल। तो मैंने 5 पीस परवल को छील के हाफ कट करके इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। अंदाजे से पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी ऐड करने से पानी निकल जाएगा प्रेशर कुकर से। तो मैं यहाँ पे 1.5 गिलास जितना पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसमें नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे, और 1/2 चम्मच हल्दी, 2 से 3 तेज़पत्ता ऐड करेंगे, और ढक्कन को लगा के प्रेशर कुक कर लेंगे 3 से 4 सीटी आने तक। सो देखिए, दाल एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गया। अब इसमें तड़का लगा लेंगे। उसके लिए एक कढ़ाई में मैं 2 से 3 छोटा चम्मच सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। तेल अच्छे से हीट हो गया है। 4 साबुत लाल मिर्च ऐड की हूँ, 1/2 चम्मच जीरा, और 1 मीडियम साइज़ का प्याज को स्लाइस करके ऐड की हूँ। अब इसको लाइट गोल्डन फ्राई कर लूँगी। अब इसमें 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके 1 मिनट के लिए सॉटे कर लूँगी। अब इसमें ऐड करूंगी नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच जीरा धनिया और काली मिर्च का पाउडर, और 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। सो देखिए, मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। तब इसमें मैं दाल को ऐड कर दे रही हूँ। दाल में मैंने पानी ऐड कर दिया था, तो आप अपने थिकनेस के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं, मुझे थोड़ा गाढ़ा ही चाहिए। दाल में बॉईल आ गया है तो इसको उतार लेंगे। अब करेला बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम करेला को अच्छे से धो के पतला पतला सा कट कर लिया है। अब इसमें 3 मीडियम साइज प्याज को स्लाइसली कट करके ऐड करूँगी। यहाँ पे प्याज थोड़ा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अब इसमें 2 से 3 हरी मिर्च को स्लिट करके ऐड करूँगी, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और 1/2 छोटा चम्मच जीरा धनिया और काली मिर्च का पाउडर, और 2 से 3 छोटा चम्मच सरसों का तेल को ऐड करूँगी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद फ्लेम को कर दूंगी ऑन, और इसको ढक के कुक करूंगी लो फ्लेम में जब तक ना करेला अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बीच बीच में इसको चलाते भी रहेंगे ताकि नीचे से ये पकड़े ना।
सो देखिए करेला अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो अब फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लेंगे और इसको खुला ही फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन करके। इससे ज़्यादा और करेला को फ्राई नहीं करूंगी, तो अब इसको उतार लूंगी। अब चटनी बनाने के लिए कढ़ाई में 2 से 3 छोटा चम्मच सरसों का तेल ऐड करूंगी। तेल अच्छे से हीट हो गया, अब इसमें साबुत लाल मिर्च मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं उतार लूंगी चोखा के लिए। सो देखिए मिर्ची फ्राई हो गया है, तो मैं थोड़ा सा निकाल ले रही हूँ। अब इसमें ऐड करूंगी 1/2 चम्मच 5 फ़ोरन। ये स्प्लैटर हो गया, तब इसमें 1 मीडियम साइज कच्चा आम को छोटे क्यूब्स में कट करके ऐड करूंगी और इसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच नमक और 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर को ऐड करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी। अब इसमें ऐड कर दूंगी 1 ग्लास जितना पानी, तो मैं थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे आज थोड़ा पतला चटनी बनाना है। आपको जैसा थिकनेस चाहिए उस हिसाब से आप लोग पानी ऐड करिएगा। आम अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो अब इसमें चीनी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा जैसा मीठा चाहिए। और मैं इसको कुक कर लूँगी जब तक ना चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और जो ग्रेवी है वो थोड़ा सा थिक हो जाए। चटनी में बॉयल आ गया है और चीनी भी अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है। इससे ज़्यादा मैं थिक नहीं करूँगी, तो अब फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और उतार लूँगी। अब चोखा बनाने के लिए मैं यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ आलू को बॉयल करके लिया है, 3 मीडियम साइज़ प्याज को स्लाइस करके लिया है, फ्राइड मिर्ची ले लिया है और नमक लिया है अपने टेस्ट के हिसाब से। 1 चम्मच मैं सरसों का तेल ऐड करूँगी और फिर जैसे बांग्लादेशी लोग मिक्स करते हैं ना, वैसे ही मैं आज मिक्स कर रही हूँ। मुझे पर्सनली वो लोग का चोखा मिक्स करने का तरीका देख के एकदम मुंह में पानी आ जाता है। अगर आप लोग इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं वैसे ही करके आज आलू का चोखा को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और मेरा चोखा जो है वो रेडी हो गया है। एंड एट लास्ट मैं बनाना चिप्स फ्राई कर लूँगी, तो उसके लिए मैं कढ़ाई में डीप फ्राई के लिए रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो तेल को मैंने अच्छे से हीट कर लिया है, मैं भी चेक कर रही हूँ कि तेल हीट हुआ है कि नहीं। तो तेल हीट हो गया है, अब इसमें मैं चिप्स को एक एक करके ऐड कर दूंगी और उसके बाद फ्लेम को कर दूंगी लो और इसको 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दूंगी कुक होने के लिए। इससे चिप्स एकदम क्रंची सा बनता है और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना। अब फ्लेम को कर देंगे हाई और इसको लाइट गोल्डन करके फ्राई कर लेंगे। सो देखिए हम लोग का चिप्स जो है वो लाइट गोल्डन फ्राई हो गया, तब इसको भी निकाल लेंगे। सो आज का समर स्पेशल वेज लंच थाली रेडी हो गया है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।